इस वेल दी वड्डी खबर सामने आ रही है नंगल तो जिथे के गैस लीक होने नाल हफड़ा दफड़ी मच गई। एक स्कूल दे नेड़े गैस लीक होने नाल कई विद्यार्थी जेड़े ने चपेट दे विच आ गए ने। 35 विद्यार्थियों समेत कई लोग चपेट दे विच आ गए ने ते मौके ते हफड़ा दफड़ी मच गई है। तुहानू दस दे कि लुधियाणा तो बाद हुण नंगल दे विच गैस लीक होने दे नाल हादसा वापर गया है अते 35 स्कूली बच्चों समेत कई लोग चपेट च आए ने। स्कूल नू छुट्टी कर दिती गई है, प्रशासन ने इलाका सील कर दिता। लुधियाणा मगरों हुण नंगल च गैस लीक होने दा मामला जिहड़ा है सामने आया है। लुधियाणा दे विच दस दिए कि रिहायशी इलाके च गैस लीक होई सी, जिस तों बाद हुण नंगल तो मामला सामने आया है ते लुधियाणा मगरों नंगल दे विच गैस लीक होई है। 35 स्कूली बच्चों समेत कई लोग चपेट च आए ने। हादसा वापरदिया ही लोगों नू भाजड़ा पै गई, मिनटां च घटना स्थान पर पुलिस ही पुलिस हो गई ते एंबूलेंस राही बच्चों नू हस्पताल पहुँचाया गया। घटना का पता चलते मंत्री हरजोत बैंस पहुँचे, सेहत विभाग दीआं टीमां मौके ते पुज्जियां ते भड़के लोगों ने फैक्टरी विरुद्ध भी नारेबाजी की। दस दिए कि इस वेल की वड्डी खबर सामने आ रही है लुधियाणा तो, हुण नंगल दे विच गैस लीक होया है। 35 स्कूली बच्चों समेत कई लोग चपेट दे विच आए ने। पहला लुधियाणा च गैस लीक होने का मामला सामने आया सी, हुण नंगल दे विच गैस लीक होने नाल 35 स्कूली बच्चे जिहड़े नेगे प्रभावित होए ने। स्कूल नू छुट्टी की गई है ते प्रशासन ने इलाका सील कर दिता है। हादसा वापरदिया ही लोगों नू भाजड़ा पै गया, जिस दियां तस्वीरां सामने आईयां ने। एंबूलेंस राही बच्चों नू हस्पताल दे विच पहुँचाया गया, मिनटां च घटना स्थान ते पुलिस ही पुलिस हो गई है ते एंबूलेंस राही बच्चों नू जिहड़ा है हस्पताल पहुँचाया गया। घटना का पता चलते मंत्री हरजोत बैंस पुजे ते सेहत विभाग दीआं टीमां मौके ते पहुंचियां, उत्थे ही भड़के हुए लोगों ने फैक्टरी विरुद्ध नारेबाजी की है। लुधियाणा तो बाद हुण नंगल च ही हादसा वापरिया है ते स्कूल दे नेड़े गैस लीक होने का जिहड़ा है खादसा जताया जा रहा है। स्कूल दे विच छुट्टी की गई है। दस दिए कि 35 स्कूली बच्चों समेत कई लोग जिहड़े नेगे चपेट दे विच आए ने। लुधियाणा मगरों हुण नंगल च गैस लीक होने का यह मामला वापरिया, हादसा वापरदिया ही लोगों नू भाजड़ा पै गई ते मिनटां च घटना स्थान ते पुलिस ही पुलिस हो गई है। सेहत विभाग दीआं टीमां मौके ते पुज्जियां, भड़के लोगों ने फैक्टरी विरुद्ध नारेबाजी की है। तस्वीरां सामने आईयां, तुसीं देख सकदे हो कि तस्वीरां च एंबूलेंस राही बच्चों नू हस्पताल पहुँचाया गया। तुहानूं दस दिए कि सेहत खराब होने का जिहड़ा है कारण बच्चों नू हस्पताल पहुँचाया गया। सांह लैण दे विच दिक्कत आ रही सी, जिस कारण बच्चों नू हस्पताल पहुँचाया गया अते मौके ते बच्चों दे मापे स्कूल दे विच पहुँचे ते स्कूल दे वल्लों बच्चों नू छुट्टी की गई। 35 स्कूली बच्चों समेत कई लोग चपेट दे विच आए ते सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस दे वल्लों मौके ते पहुँच के घटना का जायजा लिया गया। 35 स्कूली बच्चों समेत कई लोग चपेट दे विच आए ने गे। तस्वीरां च तुसीं देख सकदे हो लुधियाणा मगरों हुण नंगल च गैस लीक होने का हादसा सामने आया है। 35 स्कूली बच्चों समेत कई लोग चपेट च आए ने। हादसा वापरदिया ही लोगों नू भाजड़ा पै गई ते मिनटां च घटना स्थान ते पुलिस ही पुलिस हो गई, एंबूलेंस राही बच्चों नू हस्पताल पहुँचाया गया। लुधियाणा मगरों हुण नंगल च गैस लीक होया है, 35 स्कूली बच्चों समेत कई लोग चपेट च आए ने। तस्वीरां च तुसीं देख सकते हो कि एंबूलेंस राही बच्चों नू हस्पताल पहुँचाया जा रहा। हादसा वापरदिया ही लोगों नू भाजड़ा पै गया, लुधियाणा मगरों हुण नंगल च गैस लीक होया, 35 स्कूली बच्चों समेत कई लोग जिहड़े ने चपेट दे विच आ गए ने। वड्डा हादसा वापरिया है, स्कूल नू छुट्टी की गई है ते प्रशासन ने इलाका सील कर दिता है। भड़के लोगों ने फैक्टरी विरुद्ध नारेबाजी की है ते घटना का पता चलते मंत्री हरजोत बैंस पुजे ते सेहत विभाग दीआं टीमां मौके ते पुज्जियां, भड़के लोगों ने मौके ते पहुंचे बच्चों के मापिया का की कहना तुसी भी सुनो। सारिका क्या होया क्या इत्थे एनएफएल वालों की पता नहीं लै गैस लीक हो गई हैगी है। तो तुसी बच्चे बच्चे ठीक है? हाँ जी, वैसे बच्चे तो सेफ हैगे, घर लेके जा रहे हैं सारे पेरेंट्स। अज सवेरे ही तकरीबन 8:30 बजे फोन आया सगा कि शायद कितों कोई गैस लीक हुई है ते स्कूल दे विच
छुट्टी कर दी गई है, पर लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बहुत प्रशंसा करूँगा कि इन्होंने एहतियात फिर भी वरतते हुए फटाफट इन्होंने एक्शन लिया। तहसीलदार साहब ने कॉल की, पुलिस ने कॉल की, सिविल हस्पताल SOM साहब ने कॉल की, तो सारे तुरंत ही एक्शन लेंदे हुए 15-20 मिनट के अंदर सारा प्रशासन इतने पहुँच गया और स्कूल प्रशासन ने जी छुट्टी करती है। बच्चों से इस टाइम असं जो देख रहे हैं सिर्फ एक घबराहट का माहौल है, पैनिक क्रिएट हो गया, होर कोई ज़्यादा घबराने वाली गल नहीं। कोई बच्चा एदा गंभीर रूप से कोई घायल नहीं है, कोई इदा कोई उन्होंने बीमारी नहीं है, सिर्फ गैस का हजे कोई सोर्स पता नहीं लग्या है। कोई सूत्र दसते हैं, कोई सुनने से इदा ही आया कि फैक्ट्री चो कि गैस कोई लीक हुई है और पिंड वाले आस पास वाले दसते कि इदा रूटीन च हुंदा रहिंदा। असीं पहला भी इहदे खिलाफ धरने लाते रहे लेकिन प्रशासन कोई गल सुनदा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ते पुलिस का की कहना, तुसीं भी सुनो। मैं सवेरे 8 बजे तो गेट पर खड़िया है, खुद मेरी 70 साल की उम्र है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे टीचर भी सारे नाल है। 2-3 बच्चों जरूर प्रॉब्लम हुई है ब्रीदिंग की, उन्होंने इमीडिएटली असी एम्बूलेंस हॉस्पिटल भेजता है, NFL हॉस्पिटल और सिविल हस्पताल च। बाकी पैनिक क्रिएट किया गया है, पता नहीं कोई बेस्ट इंटरेस्ट करके स्कूल से छुट्टी कर दी गई है, बाकी सब ठीक ठाक है। सानू भी जानकारी मिली सी सानू कि इधर तो ऑक्सीजन इतने गैस लीक हुई है PSCL प्लांट की, और स्कूल के बच्चे जोड़े है थोड़े प्रॉब्लम आ गए हैं, तो अभी मौके पर पहुंचे। 4 बच्चे पहले जो NFL शिफ्ट किए थे, NFL तो साढ़े सिविल हस्पताल असं शिफ्ट कराते, बिल्कुल ठीक है। उस तरह 16-17 बच्चे मैं हूँ इतों वैसे जोड़े कह रहे थे सू सफोकेशन हो रही है, वो भी एंबूलेंस के भेजते, 2 एंबूलेंस होर भेजती हैं। ये जी सवेरे सवेरे सानू इनफॉर्मेशन आई सी कि कोई इफेक्ट हैगा, कोई गैस लीक हुई है जो सानू पता लग्या है, तो वो संबंध में उरे आए थे, उरे आके स्कूल में इवैकुएट जोड़े बच्चे इवैकुएट करते इतों, तो सारे जोड़ा थोड़े बच्चे थे उन्होंने होस्पिटल भी दाखिल कराता जी, तो हूँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पेरेंट्स को बेनती है पैनिक ना करन, सब ठीक है जो दस रहे हैं वो मुताबिक हैगा जी, पर साडे कोल कोई फैक्चुअल नॉलेज नहीं हैगी। कोई नहीं हो वैकुएट हो रहा, कोई नहीं, बच्चों समझा समझा के भेज रहे हैं, अजे पता कर रहे हैं जी, अजे कुछ अजे सोर्स नहीं पता लग्या है, बट लेटर सोनर पता कर रहे हैं।